बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशामदीद। औरतों की अकल और खीर। ट्यूबवेल के गिर्द गांव की कुछ औरतें कपड़े धो रही थीं। एक औरत ने दूसरी से पूछा, आज क्या खाया? उसने जवाब दिया, कोई एक महीने पहले खीर की देग उतारी थी, इस दिन से रोज़ाना खीर ही खा रही हूँ। एक औरत के कान में ये बात पड़ी तो उसने सोचा, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। खीर वैसे भी उसकी पसंदीदा डिश थी। चनाचा उसने घर पहुँचते ही खीर की देग उतारने का प्रोग्राम बनाया। वो खीर की देग सबसे छुपा कर महीने भर अकेली खाना चाहती थी, लिहाजा उसने देग पकाकर तूड़ी वाले कमरे में छुपा दी। पहले दिन खीर खाई, दूसरे दिन भी खाई, मगर तीसरे दिन इसमें से बू आने लगी। मजबूरन भरी देग ज़ाया करनी पड़ी। अगले दिन फिर से वो ट्यूबवेल पहुंची तो कपड़े धोते हुए किसी औरत ने उसी औरत से पूछ लिया कि आज क्या खाया, तो उसने वही जवाब दिया, एक माह से हर रोज़ खीर खा रही हूँ। वो उसके पास गई और हैरानी से कहने लगी, बहन मैंने तो दो दिन खाई, तीसरे दिन इतनी शदीद बदबू आने लगी कि मजबूरन ज़ाया करनी पड़ी। तुम्हारी हिम्मत है जो एक माह से खाए जा रही हो? वो औरत उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और कहने लगी, मैंने एक माह पहले खीर की देग उतरवा कर मोहल्ले के हर घर में बांट दी थी। इसके बाद से रोज़ाना जब किसी के घर में खीर पकती है वो मेरे घर भी भिजवा देता है। इस तरह हर रोज़ खीर खाती हूँ। ये मिल बाँट कर खाने की बरकत है, दूसरों के खुशी गम में शरीक हों। राह चलते लोगों को सलाम करें, अजीज़ व अकारिब के लिए ख़ास वक्त निकालें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, ताकि आपको मुतवातर अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। हाउ नाउ वाओ।